हवादिस से उलझ कर मुस्काना मेरी फितरत है, मुझे दुश्वारियों पे अश्क बरसाना नहीं आता। नमस्कार, आज आप लोगों के बीच में पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस लेकर के आया हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने आपको पोटेंशियोमीटर, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल और सारा कुछ मैंने बताया था। पोटेंशियोमीटर के बेसिकली दो एप्लीकेशंस बोर्ड के सिलेबस में हैं, एक टू फाइंड और कंपेयर द EMF ऑफ सेल, दूसरा टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। बोर्ड एग्ज़ाम के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन आ जाता है तो हर बच्चे के मन में एक ख्वाहिश होती है कि या तो ये सर्किट बना हुआ मिले या कोई हमारे लिए बना दे। खैर, मेरे मेथड को सीख लीजिए, आपको सर्किट के लिए किसी और पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बड़ी आसानी से आप सर्किट कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया कि चार लाइन ड्रॉ कर लीजिए और मेटलिक स्ट्रिप के हेल्प से चारों को अरेंज कर लीजिए। ये लाइंस जो हैं बेसिकली रेजिस्टेंस वायर हैं और रेजिस्टेंस वायर मेटलिक स्ट्रिप इसलिए क्योंकि रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L बाय A होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका काफ़ी ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा। ये सभी वायर सीरीज में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसको बॉटम एंड जहाँ पर स्केल मना लगा हुआ रहे और दूसरे को टॉप एंड मान सकते हैं। ऐसे इसी का इक्विवेलेंट सर्किट आप ड्रॉ करना चाहें तो दो एंड ए और बी आप ड्रॉ कर लें। ए और बी के बीच में ये जो वायर है ये नॉर्मल वायर नहीं है, ये रेजिस्टेंस वायर है और जैसा कि रेजिस्टेंस वायर का जो सिंबल होता है जिग-जैग पाथ आप दिखा सकते हैं। रही बात कनेक्शन की, तो कनेक्शन करने के लिए करना क्या है, टॉप एंड से ही स्टार्ट कीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा क्योंकि टॉप एंड पे आपको रिहोस्टेट कनेक्ट करना है जिसकी कोई पोलैरिटी नहीं होती, एक की कनेक्ट करना है उसकी भी कोई पोलैरिटी नहीं होती। इसके बाद से आपको एक एमीटर कनेक्ट करना है, एमीटर में बेसिकली मिली एमीटर मैंने सजेस्ट किया था आपको क्योंकि लेंथ ऑफ वायर काफ़ी ज़्यादा है और आपको यहाँ करंट कम मिलेगा। बेसिकली 4 वायर वाला पोटेंशियोमीटर आपको मिलता है, कभी कभी आपको 10 वायर वाला भी मिले। 10 वायर वाले का जो सेंसिटिविटी होता है इन कंपेरिजन टू 4 वायर से हाई होता है, उसकी रीडिंग की एक्यूरेसी ज़्यादा बेटर होगी। एनीवे, उसके बाद से एक ड्राइविंग सेल कनेक्ट करके पॉइंट ए तक ला दीजिए और आप पोलैरिटी पे ध्यान रखेंगे। आप जो ड्राइविंग सेल का पोलैरिटी यूज़ कर रहे हैं, मैं जनरली बॉटम एंड पे पॉजिटिव पोलैरिटी यूज़ करता हूँ, आप चाहें तो उल्टा भी कर सकते हैं, बट अगर यहाँ पर पोलैरिटी अपोजिट होगी तो सेकेंडरी सर्किट अभी जो अरेंज करेंगे उसमें भी जो पोलैरिटी होगी वो भी आपको अपोजिट करना होगा। अभी जैसा ड्राइविंग सेल या ऑक्सिलरी सेल बोल सकते हैं या प्राइमरी सेल बोल सकते हैं इसको, इस सर्किट को आप प्राइमरी सर्किट बोल सकते हैं। तो इस सर्किट में जो सेल आपने यूज किया है उसके पोलैरिटी के अनुसार ही मिली एमीटर का पोलैरिटी होगा। यहाँ पर अगर आप नेगेटिव से नेगेटिव और पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट कर देंगे, अब सर्किट वर्क कर रहा है कि नहीं इस पर आपको गौर करना है। तो सर्किट के वर्क करने पे अगर आपको गौर करना है तो एक काम कर लीजिए, यहाँ पर की ऑन कर लीजिए। की ऑन करने के बाद से रिहोस्टेट का जो स्लाइडर है उसका पोजीशन आप चेंज कीजिए। पोजीशन चेंज करने पे अगर स्लाइडर को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो मिली एमीटर का इंडिकेटर आपको रीडिंग डिफ्लेक्ट करके शो करेगा, डिफरेंट रीडिंग शो करेगा। वंस आपने ये सर्किट कर लिया तो हाफ ऑफ दी सक्सेस आपको मिल गया। अब सेकेंडरी सर्किट की बात करनी है, वो बात अभी कर लेंगे। यहाँ पर एक और चीज़ चेक कर सकते हैं, अभी कोई सेल नहीं, कोई अदर एलिमेंट नहीं जोड़ते, सीधे गैल्वेनोमीटर जोड़ लेते हैं। ऐसे गैल्वेनोमीटर के प्रोटेक्शन में एक हाई रेजिस्टेंस हम यूज़ करते हैं, लेकिन नहीं भी यूज़ करेंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। गैल्वेनोमीटर हो सकता है डैमेज हो, जनरली इतनी जल्दी डैमेज नहीं होता। और इस गैल्वेनोमीटर को अगर आप यहाँ पर टच करेंगे तो कोई करंट उससे फ्लो नहीं होगा, नल डिफ्लेक्शन अभी भी मिलेगा क्योंकि सेम पॉइंट पे आपने टच किया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट उसमें रन करने की बात ही नहीं होगी। अब अगर गैल्वेनोमीटर का पोजीशन डिफरेंट करते हैं, चेंज करते हैं अलग अलग जगह पे, तो गैल्वेनोमीटर आपको वन साइड डिफ्लेक्शन शो करेगा, आप टॉप एंड तक चले जाइए। ओके, क्योंकि करंट अभी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, वो डायरेक्शन ऑफ करंट बेसिकली आपका ये होगा, ज़रूरत पड़ने पे आप यूज कर सकते हैं।
इसी तरह से अगर दूसरा चीज़ चेक करना है, ओके, तो आप गैल्वेनोमीटर हटा दीजिए, एक वोल्टमीटर लगा दीजिए, और जब यहाँ पर एक वोल्टमीटर लगा देंगे तो फिर अगर ए पॉइंट पे टच करेंगे तो वोल्टमीटर कोई रीडिंग नहीं बताएगा, क्योंकि ए और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। फिर डिफरेंट लोकेशन पे जब इसको टच करेंगे तो हर एक लोकेशन पे टच करने के बाद से पोटेंशियल इसका चेंज होता जाएगा, और पोटेंशियल जो चेंज होगा वो वी इज इक्वल टू ओम्स लॉ से आई आर के बराबर होगा, जो कि आई रो एल बाय ए। करेंट आपने कॉन्स्टेंट मेंटेन किया है, यूनिफॉर्म वायर लिया है, तो वैसे केस में आपका रो और ए भी कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसे केस में आप इसको कांस्टेंट इनटू एल लिख सकते हैं। तो भी जो आई आर के बराबर है वो आई आर के इनटू एल के बराबर है, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर के, यही इसका प्रिंसिपल है। अब बात हम इक्विवेलेंट सर्किट की कर रहे थे, बुक में इसी सर्किट को सिंप्लीफाई करके कैसे बनाएगा, तो ए और बी के बीच में मैंने आपको दिखाया था कि आप रेजिस्टेंस वायर सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं। स्ट्रिप्स के रेजिस्टेंस को हम इंक्लूड नहीं करते जब तक कि ना बोला जाए, क्योंकि स्ट्रिप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, जनरली वो कॉपर का बना हुआ होता है, और कॉपर कंडक्टर के हिसाब से बढ़िया कंडक्टर माना जाता है। तो अभी आप इसके कनेक्शन की बात करें तो एक है कि ए एंड से जो सेल कनेक्टेड है वो आप प्राइमरी सेल, ऑक्सिलरी सेल या ड्राइविंग सेल बोल सकते हैं। ये कनेक्शन इस तरह से है, इसका ईएमएफ को आप ई नोट मान लीजिए। उसके साथ एमीटर तो करंट को मेजर करने के लिए हम वो मेजरमेंट नहीं चाहते, हम सीधे कैलकुलेट करेंगे। की तो सर्किट पर कंट्रोल हम ऑन ऑफ भी नहीं करना चाहते। आप आ जाइए रेहोस्टेट पे, तो रेहोस्टेट यहाँ पर लगा हुआ है, इसका रेजिस्टेंस आप आर एज्यूम कर लीजिए। अभी करंट जो रन कर रहा है उसकी बात करेंगे यहाँ पर, तो आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ इस सर्किट के लिए, टोटल ईएमएफ आपका ई नोट हो गया बाय टोटल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वायर का रेजिस्टेंस आर डब्ल्यू आप एज्यूम कर लीजिए। ऐसे भी अगर यहाँ आर डब्ल्यू करते हैं तो एल डब्ल्यू भी लिखना पड़ेगा ज़रूरत पड़ने के अनुसार। तो ये रेजिस्टेंस वायर का रेजिस्टेंस, रेहोस्टेट का रेजिस्टेंस। अगर ये सेल आपका आइडियल सेल हो तब तो ठीक है, रियल सेल हो तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, वो इंटरनल रेजिस्टेंस आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस से करेंट आ जाएगा। ज़रूरत के अनुसार आप चाहेंगे तो चेंज कर देंगे इक्वेशन को, अगर मान लीजिए कि इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है आर को जीरो कर देंगे, अगर आपका रेहोस्टेट भी कनेक्टेड नहीं है इसको भी जीरो कर देंगे। ये रेजिस्टेंस वायर तो पोटेंशियोमीटर वायर है, ये तो कनेक्टेड रहेगा ही, तो अकॉर्डिंगली डिफरेंट सिचुएशन में आपको करंट के डिफरेंट एक्सप्रेशन आ सकते हैं। ये करंट के एक्सप्रेशन आपको आगे चल के काम आएंगे न्यूमेरिकल आप जब बनाएंगे। अब बात यहाँ पर यह आती है कि इतना सर्किट हमने कर लिया, अब सर्किट करने के बाद से आपको कंपेयर करना है ईएमएफ, आपको बेसिकली यहाँ पर या फाइंड करना है ईएमएफ, पहला एप्लीकेशन करना है। तो पहले एप्लीकेशन के लिए ये अरेंजमेंट सर्किट इसी तरह का होगा, और इतना अरेंजमेंट आपको करना ही होगा। रह गई बात इसके आगे, तो इसके आगे आपको बेसिकली एक सेल कनेक्ट करना पड़ेगा जिसका आपको ईएमएफ कंपेयर या मेजर करना है। सेल का कनेक्शन जो है वो एक गैल्वेनोमीटर से भी करेंगे, पॉजिटिव एंड ऐसे रखते हुए। ये कनेक्शन इसलिए क्योंकि जॉकी भी बनाना होगा आपको, जॉकी बना लीजिए। इसके ईएमएफ को आप ई वन मान लीजिए, और अब आप स्लाइडर टच करना शुरू कीजिए। अगर आप ए पॉइंट पे टच करते हैं, ओके, तब आपको याद रखें एक साइड में डिफ्लेक्शन मिलेगा। पिछली बार गैल्वेनोमीटर में कोई साइड में डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा था, वजह मैंने बता दिया था। इस बार इस सर्किट सेल के कारण इस सर्किट में करंट रन करेगा, ओके। तो वन साइड डिफ्लेक्शन इवन के लिए शो किया, जैसे ही आप इसको हटा करके दूसरे जगह यहाँ टच करते हैं
तो आपको अपोजिट साइड डिफ्लेक्शन शो करेगा। अपोजिट साइड डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब आपका काम बन गया, सर्किट प्रॉपरली वर्क कर रहा है। इतना अगर मिल जाए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि E1 जो सेल है उसका EMF E0 से कम है, ये भी आपको मेंटेन करना है। E0 का EMF E1 से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो पहली बार इस सर्किट में ये सर्किट का सेल जो है डोमिनेट कर रहा है और करंट उसके कारण है। दूसरी बार जब हम वहाँ टच कर रहे हैं, इसके EMF ज़्यादा होने के कारण इस सर्किट का करंट डोमिनेट कर रहा है और डिफ्लेक्शन इसकी वजह से हो रहा है। तो आपको एक एंड पे डिफ्लेक्शन अगर इधर मिला तो दूसरे एंड पे डिफ्लेक्शन उसके जस्ट अपोजिट मिलेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। और अब हो सकता है कि आपको डिफ्लेक्शन वन साइड मिले, हो सकता है कि आपको डिफ्लेक्शन वन साइड मिले। तो पहला चीज़, आपको ये जो सेकेंडरी सेल है जिसका EMF कंपेयर करना है या फाइंड करना है, उसका चेकिंग कर लीजिए। कई बार क्या होता है कि ये लैब में बहुत दिन से पड़ा हुआ रहता है, चार्ज नहीं होता है, तो डिफ्लेक्शन वन साइड शो करने लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी टच करेंगे तो इसका करंट नेग्लिजिबल हो जाएगा, यहाँ पर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर ऐसे केस में ये जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो इसका मतलब ये सेल डेड है। दूसरे एंड पे टच करेंगे तो ऑब्वियस है कि इस करंट के कारण डिफ्लेक्शन शो करेगा। ऑब्वियस हो गया कि अगर वहाँ डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो करंट जो है E0 का है। नेक्स्ट, आप एक और काम कर सकते हैं। अगर ये सेल प्रॉपर वर्क कर रहा है तब आपको दूसरे एंड पे टच करने पे, अगर दूसरे एंड पे टच कर रहे हैं और तब भी सेम डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब क्या है कि करंट केवल इस सेल का है, ये सेल आपका वर्क नहीं कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम जो प्राइमरी सेल लेते हैं या उसके बदले बैटरी एलिमिनेटर लेते हैं, ऊपर तो उसका LED जल रहा होता है लेकिन नीचे जो है उसका कनेक्शन टूटा हुआ होता है, और हम उससे एक्सपेरिमेंट करने के क्रम में ये भूल जाते हैं कि वो भी ख़राब हो सकता है, आप उसको रिप्लेस कर लीजिए। अगर दोनों रिप्लेस करने के बाद भी ये प्रॉब्लम आए तो आप जहाँ कनेक्शन किए हैं उन टर्मिनल को एक बार सैंड पेपर से रब कर दीजिए। इससे क्या होगा, अगर कोई कार्बन लगा हुआ है तो हट जाएगा और तब आपका सर्किट प्रॉपरली वर्क करेगा। ओके, तो ये बात हो गई कि सर्किट प्रॉपरली वर्क करे, क्योंकि सर्किट जब एग्ज़ाम में प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो सबसे पहले घबराहट आएगी और मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आपको घबराना नहीं है, आप एक्सपेरिमेंट के लिए पूरी तरह तैयार। अब स्लाइडर, मैंने बोला कि दोनों एंड पे अपोजिट डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो कहीं पर भी एक जगह आपको इस सेल के कारण गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट शो करेगा। अगर गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट शो कर रहा है तो ए से लेकर के ये जे E1 होते हुए कोई करंट नहीं है, बट ये करंट रन कर रहा है, ये करंट रन कर रहा है। तो वैसे केस में जब आप कंपेरिजन स्टार्ट किए, अगर इसी का इक्विवेलेंट सर्किट आप देखना चाहें तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरह से होगा। आप सेल कनेक्ट कर दिए, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिए और कहीं पे आपको बैलेंस पॉइंट मिला, वो जे है E1। मैं यहाँ भी बोलता हूँ आप एक काम कीजिए, KVL यूज़ कर लीजिए, यूजिंग KVL इन मेस, कोई नाम दे दीजिए, ए जे E1 ए में। यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस आप फिलहाल R1 मान लीजिए। इससे जो करंट जा रहा है जिसका एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है I, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया IR1। जे से इधर आए, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हो सकता है लेकिन उससे कोई करंट पास नहीं हो रहा है इसलिए उसको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकता है लेकिन उससे भी कोई करंट पास नहीं हो रहा है इसलिए उसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा इसलिए उसको भी इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं। अब E1 आपको लेना है, दैट इज इक्वल टू 0। साइन कन्वेंशन यूज़ कर लीजिए, करंट के अलॉन्ग पॉजिटिव, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पॉजिटिव, यानी आपके पास आ गया E1 इज इक्वल टू IR1। और जैसा कि मैंने यहाँ पर बता के रखा है कि I इंटू R K इंटू L के बराबर होगा, आप इसको KL1 भी लिख सकते हैं, ये आपका इक्वेशन 1 आ गया। अगेन आप
KVL यूज़ कर लीजिए, किसमें दूसरे सेल को कनेक्ट करके, दूसरा सेल आप का यहाँ पर E2, ओके, ये कनेक्शन में आ गया, उसके कनेक्शन को हटा दीजिए। जब ऐसा करेंगे तो ये कनेक्शन आपका हटा हुआ है, यहाँ से आपका दूसरा सेल जिसका EMF E2 है, ये गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड है। ये सेल अब सर्किट को कोई इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि आपने उसको सर्किट से एलिमिनेट कर दिया है। तो अब आपके पास जो बैलेंस पॉइंट मिलेगा वो नए किसी पॉइंट पे मिलेगा, सपोज़ कीजिए कि ZS पे। तो ऐसे केस में यूजिंग KVL इन मेस ए ZS E2 ए पे, तो वैसे केस में यहाँ से यहाँ तक करंट तो I ही पार हो रहा है, रेजिस्टेंस बदल जाएगा R2 हो जाएगा, और इस पाथ में आएंगे तो आपको E2 मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 0। साइन कन्वेंशन फिर से यूज़ कर लीजिए जैसा पिछले बार बताया, तो आपके पास E2 इज इक्वल टू I इंटू R2 जो कि मैंने बताया K इंटू L2 के बराबर होगा। ये इक्वेशन नंबर 2। अब आपका वर्क हो गया, सिर्फ आपको इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करने की बात है। तो आप देख लीजिए आपका एक्सप्रेशन साफ है, E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 आ जाएगा। ये दोनों सेल के EMF के कंपेरिजन की बात हो गई। लैब में जब सर्किट करें, क्योंकि आपको मल्टीपल टाइम रीडिंग लेना है, तो वैसे केस में आप यहाँ पर एक टू वे की यूज कर लें। टू वे की लैब में मिलेगा, उसमें दो गैप होते हैं, एक तरफ आपके पास K1 रहेगा, दूसरे तरफ आपके पास K2 रहेगा। अगर K1 को कनेक्शन में आपने दे दिया तो इसका मतलब आपका E1 सेल जो है कनेक्शन में आएगा, और अगर K2 को कनेक्शन में दे दिया तो आपका E2 सेल कनेक्शन में आएगा। तो जो सेल भी कनेक्शन में आए आपको रीडिंग उसका मिल जाएगा। आपको ये रीडिंग मल्टीपल टाइम रिपीट करना होगा, रिपीट इसलिए क्योंकि आपको एक्यूरेट रीडिंग चाहिए। ओके, अब बात यह है कि अगर आप इसी अरेंजमेंट को बार बार रिपीट करेंगे तो आपको L1 वही मिलेगा, L2 वही मिलेगा, तो फिर चेंज क्या हुआ? तो चेंज क्या हुआ इस बात को ध्यान रखने के लिए, पहले रीडिंग में अमीटर का रीडिंग अगर आपने 100 मिली वोल्ट रखा है तो दूसरे बार उसको चेंज करके 120 मिली वोल्ट कर दीजिए, तीसरे बार 150 कर दीजिए। मतलब वो कैसे करेंगे, तो ये स्लाइडर के पोजीशन को चेंज करके, स्लाइडर का पोजीशन जैसे ही चेंज करेंगे ये मिली अमीटर का रीडिंग आपका चेंज होता जाएगा, और डिफरेंट करंट के लिए लेंथ भी इसका चेंज हो जाएगा। क्योंकि आप देखो यहाँ से I डिफर कर गया, ऑब्वियस है, तो भी उतना ही चाहिए जितना EMF है बैलेंस करने के लिए। तो बैलेंस करने के लिए अगर EMF उतना ही चाहिए तो वैसे केस में लेंथ को वैरी करना पड़ेगा क्योंकि करंट वैरी हो चुका है। ओके, तो इस तरह से आप रीडिंग, ये NCERT का क्वेश्चन नंबर 2.12 है। इसमें कोई सेल दिया हुआ है, इसके साथ कनेक्शन किया हुआ है, ऊपर का सेल E1 जो है वो 1.25 वोल्ट का है, नीचे का सेल E2 जो है उसका EMF नहीं मालूम है, फाइंड आउट करना है। 1.25 वाले को जब कनेक्ट किया तो मीटर पर मिल रहा है, नीचे वाले को जब कनेक्ट किया तो इसका बैलेंस पॉइंट आपको 63 सेंटीमीटर पर मिल रहा है। अब आपको E2 कैलकुलेट करना है, दैट इज E कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन फॉर्मूले से भी बना सकते हैं, आपको मैंने बोला कि E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2, इसमें वैल्यू रिप्लेस कीजिए, ऊपर 1.25, नीचे E इज इक्वल टू L1 कितना है, L1 35, L2 कितना, 63। चलिए यहाँ से E कैलकुलेट कर लीजिए, 2.25 वोल्ट। बात ये भी होगी कि अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहे तब क्या करें, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहे तब भी आपके पास ऑप्शन है, आप फिर पहले बार जैसे कैलकुलेशन स्टार्ट कीजिए, जैसे यहाँ से सेल 2 को कनेक्शन से हटा दीजिए, और जब सेल 2 को कनेक्शन से आपने हटा दिया, किरचॉप्स लॉ लगा करके I R1 + E1 = 0, यहाँ से E1 = I R1 = K L1 आ जाएगा। उसी तरह से सेल 2 को कनेक्शन में लाइए, इसका कनेक्शन हटा दीजिए, गैल्वेनोमीटर से सेल 2 को कनेक्शन में लाइए और इसका कनेक्शन हटा दीजिए, तो वैसे केस में आपके पास I इंटू R2 + E2 = 0,
ये नेगेटिव करंट के डायरेक्शन की वजह से, तो ए टू इज इक्वल टू आपके पास आई, आर टू इज इक्वल टू के एल टू आ गया। फिर डिवाइड कर लीजिए तो आपके पास ई वन बाय ई टू इज इक्वल टू एल वन बाय एल टू, और इसके बाद की कहानी आपको यहाँ पर दिखाई हुई है, वैल्यू पुट कर दीजिए, फिर से आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आपके लिए दोनों ही मेथड्स काफ़ी आसान हैं, आप किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करके बना सकते हैं, आप डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद है तो उससे भी बना सकते हैं। इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन, एक सेल इस तरह से पोटेंशियोमीटर वायर के साथ जुड़ा हुआ और नीचे आपको दो सेल कनेक्टेड हैं ये कुछ इस तरह से, और यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। एक सेल आपका E1 है और दूसरा सेल E2 है। पॉइंट यहाँ दिए हुए हैं A, B और C। ये गैल्वेनोमीटर जो है पहली बार बोल रहा है कि आप B पॉइंट से कनेक्ट कर लीजिए, आप गैल्वेनोमीटर को B पॉइंट से कनेक्ट कर लीजिए, B पॉइंट मतलब यहाँ से कनेक्ट कर लीजिए। तब आपको जो बैलेंसिंग लेंथ मिल रहा है वो किसी पोजीशन पे मिल रहा है, वो बताया आपको 300 सेंटीमीटर, यानी E1 को सीधे सीधी आप इक्वल लिख लीजिए के इंटू 300। अच्छा सेंटीमीटर नहीं लिखते, दोनों में सेंटीमीटर रहेगा, डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर वन। अभी नेक्स्ट टाइम में बोला जब आपने गैल्वेनोमीटर का ये कनेक्शन हटा दिया और सी पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, तब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन जो शो कर रहा है वो कहीं और शो कर रहा है, उसका डिस्टेंस आपको 100 सेंटीमीटर दे दिया है लेंथ के, ये E2 के बराबर हो जाएगा। E2 के बराबर नहीं होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक के पोटेंशियल की बात करें तो E1 और E2 पोलरिटी भी ध्यान दीजिए अपोजिट है, इसीलिए E1 माइनस E2 के बराबर हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर टू हो गया। अभी कुछ नहीं, इक्वेशन वन को डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन टू से, आपके पास E1 बाय E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा कैंसिल को करके, यानी आपके पास E1 इज इक्वल टू 3 E1 माइनस 3 E2, E2 को इधर लेके आ जाए 3 E2 इज इक्वल टू 2 E1, दिस इम्प्लाइज दैट E1 बाय E2 इज इक्वल टू 3/2, ये कंपेरिजन आपका हो गया। तो पोलरिटी पे भी आपको ध्यान देना है जैसा कि क्वेश्चन ने मेंशन किया था। इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन भी है मिलाया, तो बोल रहा है कि जो पोटेंशियोमीटर वायर है वहाँ पर ये 400 सेंटीमीटर पे जाकर के बैलेंस करेगा। अब थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पर जब 400 सेंटीमीटर पे बैलेंस करेगा, ये आपका E2, ओके, दोनों की पोलरिटी एक जैसी है, इसीलिए यहाँ पर आप E1 प्लस E2 लिखेंगे जो K इंटू 400 के बराबर होगा। सेकेंड टाइम में बोला कि जो सेल हैं कुछ ऐसे कनेक्टेड हैं, यहाँ पर E2, यहाँ पर E1 और गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया, गैल्वेनोमीटर एक नए पोजीशन 240 सेंटीमीटर पे जा करके बैलेंसिंग पॉइंट शो किया। इस केस में अगर आप देखें तो आपके पास ये E2 ये E1, तो E2 माइनस E1 पोलरिटी पे भी ध्यान देंगे इज इक्वल टू के इंटू 240। वेल दूसरा इक्वेशन भी मिल गया। दूसरा इक्वेशन मिलने के बाद से इक्वेशन वन को आप फिर से इक्वेशन टू से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने से सेंटीमीटर भी कैंसिल हो जाएगा, के भी कैंसिल हो जाएगा। तो वैसे केस में आपको E1 प्लस E2 बाय E2 माइनस E1 इज इक्वल टू ऊपर 400 नीचे 240, यानी 40 बाय 24 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप चेक कर लें, आपके पास E1 बाय E2 इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। वेल ये पहला पार्ट रेशियो निकालने का था, वो हो गया। सेकेंड पार्ट में बोलता है कि अगर आपने केवल सेल E1 को ही यूज किया सबको हटा करके, तब बैलेंसिंग लेंथ कहाँ मिलेगा। पहले बैलेंसिंग लेंथ दिया था, आपको EMF के रेशियो कैलकुलेट करने थे, अब E1 अगर अप्लाइड है और हमको चाहिए बैलेंसिंग लेंथ, तो एक काम कर लीजिए, एक इक्वेशन और मान लीजिए K इंटू L,
यही क्वेश्चन नंबर थ्री। मान लीजिए बैलेंसिंग लेंथ एल है जिसको फाइंड आउट करना है, देन अब एक काम कीजिए, इक्वेशन वन को डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन थ्री से, तो आपके पास ई वन प्लस ई टू बाय ई वन इज इक्वल टू ऊपर 400 नीचे L। ये अगर अलग करेंगे तो ऐसा हो जाएगा इज इक्वल टू 400 बाय L। अगर ई वन बाय ई टू 1/4 है तो ई टू बाय ई वन 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 400 बाय L। यानी यहाँ पर L इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। सो ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसानी से आपका हो गया। टर्न रेजिस्टेंस ही फाइंड करेंगे हम, अगर दूसरे सेल का तो दोबारा कनेक्शन हमको करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो कनेक्शन हमने किया था ना, वहाँ पर एक रेजिस्टेंस कैपिटल R लगा देंगे। एक और बात याद रखेंगे, ये सेल के साथ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर शो करेंगे क्योंकि इसी को फाइंड करना है। ओके, अब यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो ये आपका ए और बी पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस वायर जैसा कि आपको दिख रहा है, ऊपर प्राइमरी का कनेक्शन, साथ में रेजिस्टेंस हो तो ओके, नहीं हो तो हम हटा देंगे। इससे करंट रन कर रहा है आपको इस तरह से। अभी नीचे जो सेकेंडरी सर्किट है, ओके, इसमें आप जो सेल कनेक्ट किए हैं उसकी पहले बात कर लें। यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस और यहाँ आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है। अब गैल्वेनोमीटर के साथ देख लें क्या होगा। आपने कहीं पर बैलेंस पॉइंट फाइंड कर लिया, सपोज़ कीजिए कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आपने बैलेंस पॉइंट फाइंड कर लिया, ये पॉइंट आपको बैलेंस पॉइंट मिल गया। ओके, मैं पहले ही बोला कि आप KVL यहाँ भी अप्लाई करेंगे। ओके, तो अगर आपने KVL अप्लाई कर लिया है ना इस मेस में, यहाँ से यहाँ तक के रेजिस्टेंस को आप R1 मान लीजिए, तो I इंटू R1 I करंट रन कर रहा है। इस ब्रांच में कोई करंट पास नहीं होगा क्योंकि ये नल रिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो ये जो स्मॉल R है उससे आपको कोई करंट मिलने वाला नहीं, इसलिए यहाँ पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, जीरो कर लीजिए। प्लस ये EMF आ गया और आप पहुँच गए पॉइंट A तक, सर्किट क्लोज हो गया। माइनस इज इक्वल टू जीरो, यानी E इज इक्वल टू आप I R1 लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू कितना KL1 भी लिखा जा सकता है, एज हम पहले भी करते आ रहे थे। ये तब की बात हो गई जब आप बोल सकते हैं when कि K1 इज क्लोज्ड। पहली बार में हमने की केवल K1 को क्लोज किया है, ये की को क्लोज किया। वैसे केस में जो बैलेंसिंग लेंथ मिला वो कहीं L1 पे मिला, वो L1 हमने नोट कर लिया और आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब देखिए, जैसे ही आप यहाँ पर की K2 को भी क्लोज करेंगे, मतलब व्हेन बोथ की आर क्लोज्ड, बोथ की आर क्लोज्ड में ये रेजिस्टेंस भी कनेक्शन में आ जाएगा, और रेजिस्टेंस अगर कनेक्शन में आ गया तो आपका सर्किट इस तरह से हो जाएगा। अब ऐसे केस में एक करंट तो आपका ये पास कर रहा था, ये प्राइमरी सर्किट के कारण, प्राइमरी सेल के कारण, ये भी सर्किट ऑल्दो ये करंट इधर नहीं जाएगा लेकिन इधर से एक करंट पास करना शुरू करेगा, स्मॉल आई मान लेते हैं। ओके, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस से करंट स्मॉल आई पास होगा। आप पूछ सकते हो कि सर यहाँ तो नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है किसी और पॉइंट पे, एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए नल पॉइंट हमने फाइंड कर लिया ZS पे, तो नल पॉइंट अगर शो कर रहा है तो ये तो आई करंट जीरो होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्यों, ऐसा होता था तो ये भी करंट जीरो होता ना, नल पॉइंट शो कर रहा है। आप क्या बता रहे हो, ये जो ब्रांच है ए से लेकर के ये गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जीरो होगा और इधर भी जीरो होगा, बट ये करंट इस तरह से रन कर सकता है जैसे कि ये करंट यहाँ पर रन कर रहा है। ओके, ये इंटरनल करंट यहाँ पर आई, और इस आई का मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमको ज़रूरत पड़े तो। ध्यान देना स्मॉल आई कितना, तो स्मॉल आई के केस में हम टोटल EMF
अभी ई है, और टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है, एक तो आर है और दूसरा आर है। तो क्लियर है कि इस ब्रांच में एक आई करंट पास हो रहा है जो कैपिटल आर से भी होकर के जाएगा। वेल, अब हम फिर से केवीएल यूज़ करेंगे, और केवीएल यूज़ करेंगे, अभी हमने बताया कि नए जगह पर कहीं पर जा कर के बैलेंस करेगा ये जेडस, यहाँ तक के रेजिस्टेंस को हम आर टू एज्यूम कर लेते हैं, करंट जो पास कर रहा है इसको आई वाले इस ब्रांच में माइनस होगा। अब आ जाते हैं गैल्वेनोमीटर से होते हुए इस छोटे इंटरनल रेजिस्टेंस में, यहाँ पर जो ड्रॉप होगा करंट के अलोंग नेगेटिव आई इंटू आर होगा। ईएमएफ का साइन ले लीजिए, ई इज इक्वल टू जीरो होगा। ओके, अभी आप एक और काम कीजिए, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, ई माइनस आई आर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा आई इंटू आर टू। आप ई माइनस आई का वैल्यू वहाँ से ई बाय आर प्लस आर इंटू आर इज इक्वल टू आई आर टू को के एल टू भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि लेंथ वहाँ पर नॉन रहेगा, इक्वेशन टू हो गया। चलिए यहाँ से आगे आप एक काम कर लीजिए, ई को कॉमन ले लीजिए, वन माइनस वन बाय आर प्लस आर इंटू आर, और ये हो जाएगा आपके पास के एल टू। ई को हटा करके के एल वन पुट कर लीजिए, वन यहाँ पर एलसीएम भी ले लीजिए आर प्लस आर, तो यहाँ हो गया आर प्लस आर माइनस आर इज इक्वल टू के एल टू। के को कैंसिल कर लीजिए, कैंसिल करने के बाद इस आर को भी कैंसिल कर लीजिए, ऑब्वियस है कि आपके पास आर प्लस आर बाय आर इज इक्वल टू एल वन बाय एल टू आ गया। इसका मतलब क्या है कि वन प्लस आर बाय आर इज इक्वल टू एल वन बाय एल टू आ गया। यहाँ से कैलकुलेशन शुरू करेंगे तो कैलकुलेशन आपके पास बता देगा कि आर बाय आर इज इक्वल टू एल वन बाय एल टू माइनस वन दैट इज इक्वल टू एल टू एल वन माइनस एल टू आर डिवाइडेड बाय आर। स्मॉल आर इज इक्वल टू अब आपके पास एल वन माइनस एल टू बाय एल टू इंटू कैपिटल आर, ये एक्सप्रेशन आ गया, यही फाइनल एक्सप्रेशन होगा, जिसमें ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो आपने यूज़ किया है वो पहले से मालूम रहेगा। रेजिस्टेंस बॉक्स यूज करते हैं, जितने ओम का लैच आप बाहर निकालेंगे की बाहर निकालेंगे उतना रेजिस्टेंस उसका हो जाएगा, पुट कर देंगे। L1 L2 दोनों ही केस में बैलेंस पॉइंट हमको नोन हो जाएगा, और जब L1 L2 दोनों ही केस में बैलेंस पॉइंट नोन हो जाएगा तो आप इसमें पुट कर देंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये भी एक्सपेरिमेंट आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें भी आपको वैरी करना है, इसमें करंट अगर वैरी नहीं करें तो ये रेजिस्टेंस जो है बार बार वैरी करेंगे, कभी 2 ओम 4 ओम 6 ओम इस तरह से रखते जाएंगे और हमको रीडिंग मिलते जाएगा, 4-5 एक्यूरेट रीडिंग लेकर के मीन निकाल देंगे, वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सेल हो जाएगा। आप ऐसा कर सकते हैं, तो जिनको नोट करना है वीडियो पॉज करके नोट कर लें, और इसके पहले का अगर चीज़ों को देखना है तो आप पिछला वीडियो देख लें, लेक्चर 7 पोटेंशियोमीटर 1। चलिए अब यहाँ तक करने के बाद से मैं मिटा देता हूँ, जब तक सेंट नहीं किया हुआ है, L1 दिया है, L1 केवल EMF के लिए होगा, वो 110 सेंटीमीटर बता रहा है, L2 जब सेंट कर दिया रेजिस्टेंस से तब दे रहा है, वो 100 सेंटीमीटर बता रहा है, R का वैल्यू आपको 10 ओम दे रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। क्या करेंगे, L1 माइनस L2 बाय L2 इंटू R, वैल्यू पुट कीजिए, L1 का वैल्यू कितना 110, L2 का वैल्यू कितना 100 बाय 100 इंटू कितना 10, ये कैलकुलेट करके 1 ओम आ गया, 1 ओम इसका आंसर हो गया। हाँ, एक खासियत यहाँ पर देख लीजिए, L1 जो होगा वो ग्रेटर होगा L2 से, अगर L1 L2 से ग्रेटर नहीं हुआ तो क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस नेगेटिव आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं।
दो केसेस बता रहा है। केस फर्स्ट में R इज इक्वल टू आपको बोला है 5 ओम और केस टू में R इज इक्वल टू आपको बोला है R डैश इज इक्वल टू 20 ओम। इस केस में L1 नहीं दे रहा है, नहीं मालूम है, क्योंकि EMF के कारण बैलेंसिंग लेंथ नहीं दे रहा है। आपको दोनों बार शंटिंग के बाद का स्मॉल रेजिस्टेंस सॉरी रेजिस्टेंस के कनेक्शन के बाद का लेंथ दे रहा है, यानी L2 दे रहा है। L2 कितना है इसमें? 220 सेंटीमीटर दे रहा है। इसमें भी आपको L1 नहीं दिया और L1 वही रहेगा क्योंकि सेल जब तक चेंज नहीं करेंगे उसका EMF चेंज नहीं होगा, लेंथ भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर L2 डैश दे दिया आपको 300 सेंटीमीटर। ओके वेल, तो यहाँ से अगर R निकालेंगे तो क्या होगा? L1 एज इट इज माइनस L2 220 बाय 220 इंटू 5। और इधर से अगर R निकालेंगे ओके तो आपके पास L1 चेंज नहीं होगा, मैंने बताया था, माइनस 300 बाय 300 इंटू 20। देखो जब तक सेल नहीं चेंज करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, यानी दोनों ही इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है। तो इसके बाद का कैलकुलेशन हमको कर लेना है, दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। इक्वेट करने के बाद हमको क्या मिलेगा? L1 माइनस 220 बाय 220 इज इक्वल टू इंटू R इज इक्वल टू L1 माइनस 300 बाय 300 इंटू 20। यहाँ R की जगह पर 5 था, चलिए कैंसिल कर दीजिए, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 5 4 जा कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टी काम कीजिए, आप इसको उधर ले जाइए, यानी 300 इंटू 88 और इसको लिखते हैं 22 इंटू 300 जीरो अरेंज करके इज इक्वल टू 88 L1 माइनस 30 L1। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये तो 300 कॉमन हो गया, 88 माइनस 22 इज इक्वल टू इधर से अगर माइनस कर लिए तो 58 L1 आ गया। ओके अभी 300 इंटू 66 बाय 58 ये L1 का वैल्यू आ जाएगा और यही L1 का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो आपको स्मॉल R का वैल्यू भी मिल जाएगा और 2.76 ओम।